सारंडा के रोआम गांव के ग्रामीणों ने हेल्थ सेंटर के निर्माण कार्य को बंद करवा दिया है। जानकारी के मुताबिक काम में लगे मजदूरों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी 326.85 रुपए की जगह 180 रुपए प्रतिदिन ठेकेदार द्वारा दिया जाता है, जिसको लेकर मजदूरों ने निर्माण कार्य को बंद करा दिया। वहीं इस पूरे मामले को लेकर जब लगातार न्यूज की टीम मौके पर पहुंची तो हमने पाया कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता का ध्यान बिल्कुल नहीं रखा जा रहा है। निर्माण में इस्तेमाल हो रहे ईंट, छड़, सीमेंट आदि की गुणवत्ता बेहद खराब है और भारी भ्रष्टाचार की नींव पर स्वास्थ्य भवन का निर्माण हो रहा है। यहाँ काम करते हैं, क्या बन रहा है ये हॉस्पिटल? कितना मजदूरी देने के बाद बोला है ठेकेदार? 180। आप लोग काम बंद करा दिए हैं? किस लिए? आप कहाँ यहाँ काम करते हैं? ये सर यहीं पर। क्या बन रहा है ये हॉस्पिटल? हॉस्पिटल कौन बना रहा है? दीपक यादव। दीपक यादव, कितना मजदूरी आप लोगों को देने की बात बोला है? 180 का बात बोला है। 180 का? कितना दिन काम किए हैं? 8 दिन। 8 दिन, उसके बाद आप लोग काम क्यों बंद कर दिए? पैसा अपना रेट बहुत डाउन बोल दे, इसलिए हम लोग बंद कर दिए। सारंजा का अत्यंत सुदूरवर्ती गांव रोआम गांव अस्पताल निर्माण की मांग सालों से कर रहा है। समय पर इलाज नहीं मिलने की वजह से गांव में अब तक कई लोगों ने अपनों को खोया है। ऐसे में जब ग्रामीणों ने इतने संघर्ष के बाद भी निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार और मजदूरों के साथ होता शोषण देखा तो इस कार्य का खुलकर विरोध करते हुए अस्पताल भवन के निर्माण का कार्य ही बंद करा दिया।